हेलो भाई, कैसे हो आप सब? और आज हमारे साथ है हमारा यार यतेंद्र, इसने लिए नई गाड़ी। ठीक है भैया यतेंद्र, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, नई गाड़ी स्कॉर्पियो एन लिए भाई ने। और भाई की स्पेशल डिमांड है कि वीडियो बनानी है, इसका ब्लॉग बनाना है। मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने चलो कोई मिल जाएगी गाड़ी तो बना लेंगे। हालांकि अभी मैं वहाँ गया हूँ महिंद्रा के शोरूम पर, तो वहाँ मिली नई गाड़ी, तो अभी हमें भाई की गाड़ी मिल गई है और हम बना रहे हैं इसका ब्लॉग और सारे फीचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर से दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या सीन है, कैसी गाड़ी है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो इसमें देख लो भैया, अलॉय व्हील लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अलॉय व्हील लग रहे हैं इसके। ठीक है, वहाँ पिछली जो खिड़की है ये सादा वाली है, बाहर की में जो सेंसर लगा हुआ है आगे वाली में, और जो इसका ये है मिरर है ये ऑटोमेटिक है। और भाई अगले जो टायर हैं वो भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, वाइपर भी दिख रहे होंगे। और ये सनरूफ वाली गाड़ी है, जो सनरूफ है ऑटोमेटिक है पूरी। ठीक है, सामने से देख लो भाई इसकी ब्यूटी, ये भाई सामने से है, इसके हेडलैम्प देख लीजिए, फॉग लैंप है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी की लुक है। अभी नंबर भी ना है भाई के, ये इसके अंदर हमारा यतेंद्र भाई। अभी मैं आपको इसके अंदर के फीचर्स दिखाता हूँ, अंदर के क्या सीन है। और भाई पीछे की बात करूँ तो देखो, स्कॉर्पियो एन ये लिखा हुआ, इसमें क्रोम फिनिशिंग दी हुई है स्कॉर्पियो एन की। ये महिंद्रा का न्यू वाला लोगो है, जो भी ना महिंद्रा ने नया वाला लोगो लॉन्च करा अपना। ठीक है, पीछे की जो हमारी खिड़की है इसकी, ये भी सेंसर वाली है। ठीक है, और भाई बूट स्पेस तो आपको पता ही है, महिंद्रा स्पेशली बूट स्पेस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इसे पीछे का। भाई सबसे पहले हम देख रहे थे खिड़की के फंक्शन इसके, ये देख लो भाई, इसमें ये वाला जो है ये लॉक करने का है इसे, ये जो इसका मिरर लॉक करने का है, जो विंडो डाउन होती है, ये इसका पिछली खिड़की का है, ये अगली खिड़की का है, ये भी पिछली खिड़की का है, ये आगे की दोनों खिड़कियों का है, ये इसका मिरर सेट करने का है, ये भाई इसका मिरर ओपन करने का है, और यहाँ से इसकी चारों विंडो लॉक हो जाती हैं और अनलॉक भी हो जाती हैं। ठीक है, और ये भाई इसके यहाँ पर ट्विटर लगे हुए हैं और नीचे जो इसके स्पीकर लगे हुए हैं। भाई स्टीयरिंग की बात करें तो इसके ऊपर सारे फंक्शन दिए हुए हैं, पूरा टोटली ऑटोमेटिक गाड़ी है। स्क्रीन देख लीजिए कितनी बड़ी है, सारा जो है इसका ऑटोमेटिक है, कंट्रोल सिस्टम है। ये देख लीजिए फ़ोन उठाने का है, क्रूज़ कंट्रोल है, वॉल्यूम अप डाउन है, सारा म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने का, सारा जितना भी है सभी इसका स्टीयरिंग में दिया हुआ है। फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी दिख रही होगी आपको, स्क्रीन साइज़ दिख रहा होगा इसका कितना है, और बहुत ही प्यारी लुक है भाई इसकी गाड़ी की, ज़बरदस्त चीज़ है एकदम। ये देख लीजिए भाई, यहाँ से सब इसका जो आगे की लाइटें कंट्रोल होती हैं, 220 की टॉप स्पीड दिखा रखी है, 180 तक तो भाग जाती होगी आराम से। और भाई इसकी देख लीजिए, ऑटोमेटिक गाड़ी है, सारा ऑटोमेटिक है भाई। ये चाबी है इसकी, ये ऐसे बटन दबाओ यहाँ से चाबी निकलेगी इसकी, है ना। ये देखो भाई कितना बेहतरीन इसका जो इंटीरियर दिया हुआ है भाई, स्क्रीन साइज़ देख लो कितना बेहतरीन दिया हुआ है, कम से कम मुझे लगा 9-10 इंच की स्क्रीन होगी इसकी। सारे कंट्रोल यहीं से है, वॉल्यूम अप डाउन, एसी, फ़ोन, होम बटन, ये सारे देखो भाई कितने सारे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है भाई, स्कॉर्पियो की तो बात ही अलग है, ये भी टॉप मॉडल है स्कॉर्पियो एन का, 27 लाख रुपए की गाड़ी है भाई ये, इसका ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है। ठीक है, और भाई देख लो तुम कितने ध्यान से, कैसी है ऐसी गाड़ी भाई, बड़ी ज़बरदस्त है, हैंड रेस्ट भी है इसके अंदर, और यहाँ से इसका जो सनरूफ खुलेगा, ये सनरूफ है इसका भाई, हाफ सनरूफ है। ये देखो भाई ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है इसमें, ऑटोमेटिक सनरूफ है, देखो क्या ज़बरदस्त चीज़ है यतेंद्र भाई, बहुत अच्छी चीज़ लिया आपने। ये देखो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लिया भाई आपने, बहुत बेहतरीन गाड़ी ली है यतेंद्र भाई ने, पैसा खर्च करो जब आके। चलो हम तो कहें यतेंद्र भाई आपको मुबारक हो गाड़ी, और हाँ भाई हंस लो कोई दिक्कत ना, अच्छी बात है भाई, गाड़ी बढ़िया ली है तुमने। ठीक है भाई, चलो इसके पीछे की देखते हैं, पीछे क्या है इसके, पीछे देख लो भाई, पीछे इतना स्पेस है इसका भाई, बहुत ज़बरदस्त स्पेस है इसमें पीछे। ये यहाँ से एसी विंड कंट्रोल करने, सारा कंट्रोलिंग सिस्टम भाई यही है, यहीं से सारा एसी कंट्रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भाई ओवरऑल लुक देख लो पीछे से इसकी आगे तक के लिए, ये पीछे इसका जो रूफ लाइट है, बहुत ज़बरदस्त भाई। चलो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।